तू साड़ी FIR जरूर दे ते पाक इमाम दा सदका जे तेरी गवर्नमेंट नु पढ़ने ना पा दे नेड़े बंदे सुन दे नहीं ते मेरा नाम मुमताज शाह नहीं अब बताए पता मैं कौन खलोता हूं अब बताए तू गड्डी ले जा मेरी होएगी तो अफसर आप छट जाएगा आपसे तो मेरी बात ही नहीं आप किसी सीनियर अफसर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं फिर आपको बात करवाऊं मैं कौन हूं मैं मुझे अपना आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देखें ईमानदार आईडी कार्ड तो इलावा भी कुछ भी शाह साहब ना डराइएगा शाह साहब क्या हुआ मैं तो दुख में बराबर का शरीक होने के लिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको स्टार्ट करें जी ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੰਟਾ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੱਤੋਂ ਕਤਲੇ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਕੇ ਆਧੇ ਮਿੰਟ ਕੀ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂ ਕੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਤੋਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਓਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤੋਕਰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਵੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਬੀਚ ਮੇ ਯਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਸੇ ਬਣ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਵਾਦ ਨਕਵੀ ਕਾ ਬਾਤ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਲਿਆਜ਼ ਕਰੇ ਇਸੀ ਬਹਾਨੇ ਆਪਸੇ ਦੇਖੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਸੇ ਆਪਕਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਹਮ ਔਰ ਆਪਕੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ जैसा कि आपको पता लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर है 279 की FIR देनी है FIR देंगे शाह साहब पे आप जी 279 आपने शहर में रहना है नहीं रहना क्या कह रहे हैं आप रहना हमने नौकरी देखिए आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ शाह साहब जो है फिर ना कहिएगा कि मैंने मुकदमा नहीं लड़ा आपका वेरी मच हाँ आपने शाह साहब पे FIR देंगे यार क्या बातें कर रहे हैं आप सर कानून सबके लिए कौन सा कानून यार कानून में तो कोई किस कानून की बात आप कर रहे हैं एक मिनट माफी चाहना मैं झटका जा बंदा तो वैसे मैंने सारिया जमाना आदि मुर्शद आली का सदका एक काम करी मेरे से तू साड़ी FIR जरूर दे ते पाक इमाम दा सदका जे तेरी गवर्नमेंट नु पढ़ने ना पा दे इन्हे बंदे सुन दे नहीं ते मेरा नाम मुमताशा नहीं अब बताएं पता मैं कौन खलोता हां अब बताएं तू गड्डी ले जा मेरी होएगी ते अफसर आप छड़ जाएगा अफसोस है यार एनी प्रॉब्लम क्या हो गया आपको यार आपकी रिक्वेस्ट की 92 असी आ रहे हैं कल्ले ही सर कौन आ यार डिसिप्लिन सही करने वाला पाकिस्तान दा ते पहले करप्शन खत्म करो आ चल पुत्रा मैं माफी चाहता हूं नहीं वो तो उन्होंने कब का है माफी दे दो प्लीज मैं कौम तो बड़ा डिस्टर्ब हूँ कानून तो बड़ा डिस्टर्ब हूँ मैं आपके साथ ईमान गल अब क्या शाह साहब को आप देखें आप शहर में रहना चाहते हैं कि नहीं मैं जो शहर में रहना चाहता हूँ पंचों की तरह आपसे तो मेरी बात ही नहीं आप किसी सीनियर अफसर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं फिर आपको बात करवाऊँ मैं कौन हूँ मैं सीनियर अफसर भी डांट खाएंगे आपसे मैं तो ताड़ियाँ नौकर सारे क्यों आप शर्मिंदा करते हैं बोला आजस बन के रही है मैं आजस बन के रहना तो मेरे को एक कार्ड है मुर्शद का सदका मैं वहां वहां तो मैंने जपियां पा ला पा मैं शाह साहब आप तू तो मेरा बच्चिया वर्ग है तेरे नाल तो मैं गिला ही कौन नहीं गा ड्राइवर का लाइसेंस दिखा दे ओ यार असी किथों ले आईए भरावा साडे को कोई शै नहीं होर दस माफी दे दे माफी दे दे सानू एक मिनट यार एक मिनट ए फड़ छापर इनो मैं ध्यान दे हुण मैं माफी देना लाइसेंस दिखा दे ड्राइवर मैं आप ही लाइसेंस हां ते अगो मैं ले चल किधरे ते जा यार नहीं तेरी खैर करे चल पुत्रा अब चलिए आपके सामने शाह साहब मेरी गुजारिश गुजारिश सर प्लीज शाह साहब गुजारिश गुजारिश देखें आपका कद और बड़ा हो जाए इससे ये बेटा पकड़ना इसको शाह साहब गुजारिश है देखें आपका देखें ना कितना मर्तबा है माशाल्लाह बड़ा मुकाम है आपकी फॉलोइंग है शाह साहब तो आप एक गलती कर रही ड्यूटी करने वाले से आई एम वेरी सॉरी बात खत्म हुई इनको आप कन्विंस करना इसी को कह रहा हूं बच्चे को जी जी वेरी सॉरी पैसा करें मुझे अपना आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देखें ईमानदार आईडी कार्ड तो अलावा भी कुछ भी है शाह साहब ना डराइएगा ये तो ठीक हो गया ड्राइवर का पूछ रहा हूं ड्राइवर का वो शाह साहब पूछ रहे हैं ठीक हो मैं माफ कर दे चुप कर जा
माफी दे दो। नहीं शाह साहब गुजारिश तो अपना मैं नहीं तुसी हुक्म करी जाओ तो मैं चले आ जे। नहीं शाह साहब वो ड्राइवर का पूछ रहे हैं सर मैं। तुसी सानू माफी दे दियो। नहीं शाह साहब पूछ ही ड्राइवर का चलान भी करोगे ना तो इत्थे ही पैसे दे देंगा। नहीं शाह साहब मैं गुजारिश की है कि मेरी लत्तां च लाड पे ना मैनू फॉलो करो यार। आप तो मासल ऑफिसर आदमी हो ये देखो। नहीं अफसर आप है देख लिया देख लिया। अफसोस है यार देख लिया किसे मरीज बंदे का लिहाज करीदा है। नहीं शाह साहब बात ये है बच्चा मेरा मेरा भांजा हो मैं उन्होंने कहा मैनू ला दे तो उन्हें मैं ला के वापस जाना करीब आपको ज्यादा डेंजर जोन में ले रहा है ना इस तरह। चलो वन वे जाके ना असी माफी चाहते हैं जनाब। वो तो इन्होंने अपना इनका कानून क्या कहता है पाके ना और अच्छी सीट पे पाएगा। आमीन आमीन इलाही आमीन। हां चलो सीटियो लग जाए दोनों माफी मांगना कल तेरे को तेरी खैर होवे। शाह जी मैं कह रहा ड्राइवर दा लाइसेंस दिखा दियो पूरा पूरे पाकिस्तान च नहीं किसे दिखा दियो गड्डी दे कागज दिखा दियो कोई डॉक्यूमेंट से दिखाओ। अच्छा वो देखें वो तो कानून का उनका वो तो देखें ना अपनी मुलाजमत कर रहा है हमने वायलेशन टिकट है वो ड्राइवर को देनी होती है चलान चढ़वा देता हूँ कोई बात नहीं मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को आप ठीक नहीं है बीमार नहीं है। आपको मोहब्बत करने वाले कितने प्रस्तार कितने आपके शाह साहब एक बात समझे मेरी एक मिनट पैसों का रौला नहीं है शाह साहब एक बात समझे लाइसेंस है ओपन चलान करो पैसे ले लो ओपन नहीं होता जनाब ठहर एक मिनट इतने बजे बजे नोट निकाल रहे हैं बैंक से आए हैं अभी शाह साहब मेरी बात सुने जरा शाह साहब मेरी बात सुने मेरी मुझे आपका एक मिनट ठहर बात तो सुन ले शाह साहब कर दे यार शाह साहब गुजारिश सुने ना शाह साहब गुजारिश माफ कर दे आया माफी मांग ली मेरी बात नहीं सुन रहे शाह साहब आप जी मेरी गुजारिश नहीं आप सुन रहे शाह साहब गुजारिश करें ये बेटा है कौन है भांजा है मेरा भांजा तो इनकी ट्रेनिंग है मेरी गलती आखिरी गल सब सामने कर रहे हैं वो उतों की जा रहा है मैं क्या इधरों चल कहता वो खले ने मैं क्या कुछ नहीं कहते मैं टुटा भजा वहां लास्टिक पाया राड पे ने जिंदाबाद खैर होगी मौला हुसैन तेरी खैर ये आप इस तरह दोबारा ना इनसे करवाइएगा नहीं करवाऊंगा ये वादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पक्का नमाजी बंदे ने भी समझाया ना कि वन वे ना आए कभी भी मैं कहा नमाजी हो गए गलती कर गया माफ कर छोड़ो आप वार्न कर सकते हैं ना जी वार्न करें शाह साहब का शाह साहब जाते मुझे बता जाए आखिरी बात आपका दिल क्यों टूटा हुआ है ये हुकूमत ठीक चल रही है मामला ठीक है क्या चक्कर क्या है सर घर झांडी नहीं पकती ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाना दो बारी उमरा नसीब होया दो बारी करबला जदों दी ए गवर्नमेंट आई है ना ए नवी तब्दीली वाली घर दी हांडी मुक गई मर गए जो पूरे अब आखिरी बात जो पूरे शहर में हाँ? पूरे शहर में जी नौजवान लोग बच्चे बच्चियां हां जी वो सारे लोग जो ड्राइव करते हैं वन वे उनके लिए क्या मैसेज है आपका क्या दिल से पैगाम भी दे दे मैनु भी मेरे वर्ग के बंदे नु दहत नहीं आई तो उन्होंने किथे आनी आप इसका मतलब फिर से कल नहीं मेरी गल नहीं फ्लिप हो जाएंगे 600 रुपए किलो के हो गया 250 रुपए किलो मटर बिकते हैं साडा दिल करेगा मटर खाने से ले नहीं सकते मैं शमसी साहब को मंदिया मस्जिद हाली रोड तो पैसे लेके आपने पता क्या करना है क्या मेरी बात सुने आप जब भी अपना खिताब करें ना ना आप परेशान नहीं होना तुम्हें नहीं पता कितने दुखी बंदे हैं मैं सैयद को गया था मैंने राशन लिए पैसे दे छड़ो ना हलाओ मैं नहीं मानता किसी गवर्नमेंट को इस कदर गुरबत के लेवल किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता मैं मानते हो कौन सा आपका वो मान वो तो सारी दुनिया मानती वो दंदा है वो सबको वो तो मैं दरबारों चौलों के लिफाफे भर के ला जाना मैं शरीकों के घर कभी कोली देख नहीं भेजा अपनी धियां मेरे 6 भैन भरा भनेवे भैं 21 रमजान में जोड़ा ब्लास्ट होया मैं पार्टियों टोटे चुके ने अपने भावों के भैनों के समझ दो चैक दिते ने मैं हाँ जी तीकर कैश नहीं होए नवाज शरीफ हुकूमत के झूठ है सारा कोई बंदा सच नहीं बोलता जिन्हें दे मर गए ने उन्होंने पूछ कि पीड़ होंगी है मेरी भैन मेरे दो भनेवे मेरा भणोइया इंज टोटे पे सन मेरा भरा काका समझ दो तिना पीसा मैं भरा चुके है किसी ने की दसीए असी अफसोस अपना ख्याल रखें शाह साहब आपका शुक्रिया।